रोड भी आपको समझ आ जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा, इस्लामाबाद की नस्बत यहाँ पे बर्ड्स कौन कौन से मिल रहे हैं ये भी आप देखेंगे इस टूर में। और जो लोग इस जगह को नहीं जानते, दूसरे शहरों से आते हैं, उनके लिए समझ भी आ जाएगी। सैटरडे का दिन है और 3:30 बजे का टाइम है, इसलिए बता रहे हैं कि रश का भी अंदाज़ा लगाना है आपके साथ। रश आप देख लें सैटरडे को, संडे को रश बहुत ज़्यादा होता है। और ये सामने जो रोड जा रहे हैं, ये जा रहा है राजा बाजार मोती बाजार की तरफ, ठीक है। हमने सामने नहीं जाना, हमने लेफ्ट साइड पर मिलता है, ये लेफ्ट साइड पर मिलता है। अच्छा, मैं आपको दोनों लाइन की बर्ड साइड चेक कराऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरी वापसी पर जो है वो सामने वाली लाइन आपको चेक करवा, यहाँ पे आपको फिश वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, आपको सब गाइड करते हैं, रुकते भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पे, ये देखें बत्तख वगैरह और कबूतर, उनके पिंजरे सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, फिर गोश यहाँ मिल जाए। आगे चलते हैं, ये देखें जी, ये कैट्स वगैरह यहाँ पे परफ्यूम भी हैं, साधु भी हैं, एजाज खान जाजी साहब का ये दफ्तर है जो बंद हो चुका है। अच्छा जी, ये बड़ी ज़रूरी शॉप हैं, ये जो पहले इससे पहले नहीं होती थी यहाँ पे, ये बस और उनकी फूड है, कैट्स की, डॉग्स की, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तोतों की वो भी फूड आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें जी, पेपर वगैरह हो गए, और ये आ गया डॉग्स का, डॉग्स का जो बॉक्स वगैरह एयरपोर्ट के लिए या ट्रैवल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हैं जो यहाँ से मिल सकते हैं आपके सामने। और ये देखें, ये पेपर वगैरह और ये फैंसी मुर्गियाँ, ये सारी वैरायटी आप देख रहे हैं, खरगोश वगैरह। और ये देखेंगे डॉग्स हैं, छोटे बच्चे हैं डॉग्स के, कौन कौन सी नस्ल है। आगे चलते हैं, आगे भी जनाब फिर ये आ गई हैं कैट्स वगैरह, डॉग भी हैं, कैट्स भी हैं उनके पास। ये वाली लेकिन पता नहीं कौन सी नस्ल है, ये सब यहाँ पे, ये नॉर्मल जो होते हैं रशियन टाइप, इस टाइप के होते हैं, ये इनके पास बड़े जर्मन शेफर्ड हो गया, बाकी वो रशियन टाइप हो गया, चिड़िया हो गई, ये लेबरा लेबरा है। और ये भी कैट्स वगैरह बहुत, यही मेन मार्केट है अगर आप देखा जाए पिंडी इस्लामाबाद में। कुछ शॉप में हैं लेकिन वो शॉप जो हैं जो इतनी वैरायटी नहीं है वहाँ पे। और कंपैरिजन अगर करें इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से यहाँ की प्राइस में कम अज़ कम 15-20% यहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट काफ़ी आगे ज़्यादा आपको चेक करवाते हैं। ये देखें पिंजरे, हर जगह पे आपको पिंजरे वगैरह मिलेंगे। अच्छा, ये ज़रा अच्छी क्वालिटी के इनके पास पेज है, बड़े बड़े ना, ये भी आप ले सकते हैं। ये देखें छोटी छोटी कैट,
ये सामने आ गई है। इसके साथ साथ वही फूड उनकी आ गई। ये फिश है एक्वेरियम से वगैरह छोटे, और ये फिश वालों का सामान है। और ये देखे चूजे, अभी नवंबर की इस टाइम ये नवंबर का मंथ चल रहा है 2024 का, तो ये समझ लो कि इस वक्त जो रेट होंगे उनके वो ही तकरीबन 2-3 महीने 2025 तक 225 तक भी यही चला। ये पिंजरे वगैरह चेक करें आप, रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, अगर आप चाहें अपना तैयार कराना होगा गार्डन, तो वो करने के लिए भी यहाँ पे लोग मिल जाएंगे आपको, अगर वो करवाना हो। चेक करेंगे वहाँ पर, ये लकड़ी के बॉक्स है यहाँ पे। अच्छा एक चीज आपने ख्याल करनी है, यहाँ पे डॉक्टर के किसी के पास नहीं जाना अपने जानवर को चेक कराने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो परफेक्ट नहीं होंगे, आपको मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप उससे बच सके। उसमें यह है कि शमशाबाद में ना यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, उसके अंदर क्लिनिक बहुत बड़ा बना हुआ है डॉक्टर, तो 10-15 डॉक्टर ऐसे टाइम आपको मिल जाएंगे जो जानवरों की वैक्सीन वगैरह सब कुछ करते हैं। वो सबसे आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो बजाय आप इन लोगों के पास आ जाएँ और फिर इसके बाद आप परेशान हो। और यहाँ पे आप इंजेक्शन से के भी आपसे ज़्यादा पेमेंट होने लगे, तो ये सूरत पे आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं टर्न लेने लगूँ वापस, इनसे मार्केट ख़त्म हो गई है। ये मार्केट बिल्कुल ख़त्म है। और मैं आपको दूसरी साइड चेक करवाने लगूँ, ये दूसरी साइड, ताकि आपको दूसरी साइड का भी आइडिया हो गया। ये देखें, ये सबसे पहली शॉप है दूसरी साइड, ठीक है जी। ये देखें सारे वही पिंजरे वगैरह सारा उसी तरह आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ शॉप ऐसी हैं जिनके पास बड़े सारे पैसे हैं, 5 लाख 10 लाख वाले भी, लेकिन ज़्यादातर ये काम ना लोगों ने अपने घरों में स्टार्ट कर दिया, जो फेसबुक पे यूट्यूब पे या और इस तरह बेचते हैं ऑनलाइन ना, उनके घरों में विजिट करते हैं। उनके यहाँ पे टैक्स का भी मुद्दा बढ़ जाता है, इस वजह से लोग जो हैं वो एहतियात करते हैं। ये चीज़ भी आपको बतानी थी, बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे तो रश आप देख रहे हैं, ये किसी तरह आपको सैटरडे संडे जो है सामना रहेगा रश का। ये अभी दूसरी लाइन में हम चल रहे हैं, ये देखो ना ये बंदा बड़ी चौका ले आया यहाँ पे, छोटा अपराध वगैरह और मुश्किल में फंस गया। ये देखेंगे सारे यहाँ से मिलेगा, बार्गेनिंग कर लें यहाँ पे, इनसे हर एक का अपना रेट है यहाँ पे, ये चीज़ आपने जहन में रखी, हर हर इंसान का अपना रेट है। निकले हैं पक्षी, ये देखेंगे अभी और सड़कों पे लगा रहे हैं, ये देखेंगे भी गाँव है तो कौन कौन सी नस्ल है।
और ये देखेंगे ये कैट्स कैट्स क्यों ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा कैट्स आपको यहाँ पे अच्छी नस्ल की मिल सकती हैं, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन तो डॉग्स जो हैं वो बहुत मुश्किल है कि आपको अच्छी नस्ल के मिल जाए। इसके लिए यहाँ पे फार्म वगैरह भी बने हुए हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से भी मिल सकते हैं। कुछ लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टर हैं, वो भी आपको मुआवजा दे सकते हैं। ये देखेंगे फिश आप लोकल दो दो भी दे सकते हैं, सारी आपको चेक करवा दी है हमारे पास। ये कबूतर वगैरह आ गए सारे, इसी तरह पूरी मार्केट इसी तरह आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे फिर वापस हम जहाँ से स्टार्ट लिया था उसी तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ताकि रास्ता तो आपको पता चल जाए रास्ता क्या है। ये इसी तरह ये देखें इसी तरह आपको वापस मेडी चौक तक लेके आऊँगा, ताकि आपको मुकम्मल आइडिया रहे। ये देखें ये वापस अब हम कमेटी चौक इस टाइम घूम गए हैं, ठीक है ना जी। तो ये इनकी आज की वीडियो, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को।